अब यहाँ से देखो, हमने मालूम करना है जी भाई, ठीक है, ये माइनस का वन है, ये जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का वाई। जो मालूम करनी होती है ना, ये अननोन क्वांटिटी होती है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। वाई इज इक्वल टू सिक्स और ये प्लस का वन आ जाएगा, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया जी, सिक्स प्लस वन सेवन आ गया जी, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है बोलना ज़रा। n plus 12 are 23। अच्छा जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। अब यहाँ पर अननोन क्वांटिटी x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पर n आगे, n हमने मालूम करना है। अब ये प्लस का 12 है, जब ये राइट हैंड पर से हम शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 23। इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एन इज इक्वल टू 3 - 2 कितना आ गया जी, 1, और 2 - 1 कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, ठीक है। अब इसके साथ साइन कैसे आया, इसके साथ जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। जब आप प्लस माइनस कर लो ना, इन दोनों के साइन पर हाथ रख लिया करो। देखो जी, मैंने 23 और 12 के साथ जो साइन था उस पर हाथ रख लिया। बड़ा कौन है, 23 या 12, उसका साइन यहाँ पर लगा दिया करो। जो प्लस होता है वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक हो गया। अगला बोलो जरा, डी वाला। n x 45 = 45। किधर लिखा हुआ है वो, n नहीं है, ये 9 है, वो 9x = बस क्या है, 45, ठीक है। अब यहाँ पर हमने x मालूम करना है जी, ठीक। अच्छा जी, तो जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, जब वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो वो जाके डिवाइड हो जाती है। यहाँ जो डिवाइड हो रही है ना इधर, वो इधर आकर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। हमें जो पता है कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, डिवीज़न होता है। अब यहाँ पर 9 क्या हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड 45 / 9। अब 9 के टेबल में 45 आता है, ठीक है, 9 1 9 9 5, ठीक है। एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट बोलो जरा, 2x = 3। 2 किधर लिखा हुआ है, 2x, ये तो बड़ा सिंपल सा है। 2x = हमारे पास क्या जी, 3 है, ठीक है। अब हमने x की कीमत मालूम करनी है, 2 इधर क्या आ रहा है, 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या रहेगा, x = हमारे पास क्या आ गया, 3/2। लो तेरा आंसर आ गया, सही है। अच्छा, कोई मुश्किल सा देखते हैं, जी वाला करें। एक्स माइनस 0.6 = आपके पास क्या आ गया, 0.2 आ गया। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये भी वैसे ही है, एक्स इज 0.2 प्लस 0.6, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, 0.8 0.6 0.2 आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, और कौन सा है, एच वाला, इसमें वो क्या कहता है जी, एक्स प्लस 2 = हमारे पास क्या जी, 4 है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, x = 4 - 2। ओह वेरी गुड, तो x = कितना आ गया हमारे पास, 2 नहीं आ गया जी, सही है। और कौन सा है, इस बस यही है, सही नहीं, पूरा चैप्टर अभी। अच्छा, अगली निकालना एक्सरसाइज, इस अननोन क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि जो उसने पूछा वही हमने फाइंड आउट करना होता है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के में क्या कहते हैं, अंडरलाइन द वेरिएबल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला कौन सा है, 3 - y = क्या जी, 4 है ना। मैंने क्या कहा अभी आपको कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है ना, उसको हमेशा हमने क्या करना होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो 3, ये 4 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का, वाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। चाचू जी लग गए, चाचू जी, हाँ जी, कब्रिस्तान, ये भी पीछे ही आएगा।
ठीक है, 3 माइनस 4। अब अगर यहाँ से देखा जाए ये हमारे पास करिए प्लस का है, 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 4 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, इसका साइन आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, वाई की वैल्यू आ गई, सही है, ये आपका आंसर आ गया। अगला बोलो जरा, अगला ए प्लस थ्री जार थर्टी है। अच्छा जी, ए प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 30 है। अब ए हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए इज इक्वल टू ये 30 है, ये उधर जाकर क्या रहेगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ए इक्वल टू कितना आ गया, 27 ही आ गया। अब ये देखो ये प्लस का 30 होता है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो साइन होता है प्लस का। अब 30 बड़ा होता है माइनस का 3, या 3 बड़ा होता है 30, तो उसका साइन यहाँ पर आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि जो प्लस होता है उसके साथ साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पर 25 मैंने लिखा हुआ है ना, ऑटोमेटिकली इसके साथ प्लस है, ये प्लस का 4 था ना, हाँ जी। इधर आकर क्या हो गया, आपने इस साइड को ये कर दिया और इस साइड, क्योंकि जो क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी होती ना वो ऑलवेज पॉजिटिव रखी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह से भी कर सकते थे, माइनस का वाई इधर आने दो, ठीक है, और 4 ये 3 उधर जाकर क्या आ जाएगा, माइनस का, सही है। तो माइनस का वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। हाँ, अब यहाँ पर देखो, नहीं नहीं 4 माइनस 3 1 आएगा प्लस का, हाँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्या जी, माइनस है, हमने इसको पॉजिटिव करना, फिर दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये ले प्लस हो गया, ये प्लस का था, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये ये आपके पास माइनस हो गया, ठीक है, ये आसान है या ये आसान है, ठीक हो गया जी। दोनों तरीके से कह लो आंसर आपका सेम ही आएगा। अगला बोलो जरा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास क्या जी, 0 के इक्वल है, और ये सी पार्ट है आपका। हमने यहाँ पर बी की वैल्यू मालूम करनी है, बी इधर रहने दें, अब ये 0 उधर जाएगा माइनस का। अब 0 में से कोई भी चीज़ माइनस की जाए प्लस की जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस वैल्यू हमने माइनस वन करना है 0 में से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, ये माइनस वन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अगला बोलो जी, डी वाला 10c-4 = 15, 10c-4 = 15, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब c हमने फाइंड आउट करना जी, 10c इज इक्वल टू, ये माइनस का है तो दिया अगर प्लस करिए, 15 + 4 कितना था, 19, ठीक है। अब 10 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया जी, इजी है। अच्छा जी, अब और बोलो जरा सर, ये ना ये नहीं का अंडरलाइन कर लिया बुक के ऊपर, वो जब वैल्यू आप निकाल लो तो फिर आपने इधर लाकर पुट करनी है, जब आपने पेपर में क्वेश्चन करना उन्होंने थोड़ी अंडरलाइन करवाना है, बुक देनी है उन्होंने, तो पेजेस देने, पेजेस पर आपने सारा काम करना होता है कि नहीं। अगला बोलो कौन सा है, ई वाला 3 × 8 इधर करना जरा, हाँ 3 × 8 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, जी आ गया, ठीक है। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, जी को 8 3 को 8 3 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
अच्छा जी अगला बोलो। अब बाकी जितने भी है ना मैं कहता हूँ करके दिखाओ जरा, ठीक है।